Assalamu alaikum, my dear students. Welcome to today's English class. Today we are going to study the dialogue-wise summary of the play, The Proposal, written by a Russian playwright, Anto Pavlovich Chekhov. और मैं कल ही बोल चुकी हूँ आपको कि इस के तीन अहम किरदार हैं, तीन इस ड्रामे के इस प्ले के तीन मेन कैरेक्टर्स हैं. पहला है स्टेफन चुबको, जो एक फादर है, वेल्दी फादर, लैंडलॉर्ड है, और एक लड़की का, वो 25 साल की उम्र की लड़की का फादर है, जिसका नाम है नटेलिया स्टेफनोवा. उसके बाद है तीसरा कैरेक्टर जो है आइवान वेसलविच लोमोव. और जो नटालिया है, इसकी एज 25 इयर्स की है, ऑलमोस्ट शी इज सिंगल. आइवान वेसलविच एक वेल्दी लैंडलॉर्ड है, इसकी एज क्या बोलते हैं इसको 35 इयर्स है. बट जो आइवान वेसलविच है, ये एक वेल्दी पर्सन तो है, बट और ये ग्रोन अप भी है, बट जो आइवान है वो बहुत ज्यादा जल्दी नर्वस हो जाता है. बहुत ज्यादा इसकी जो हार्ट पल्पिटेशन हार्ट बीट है, बहुत ज्यादा मामूली इश्यूज पे, मामूली बातों पे जल्दी से रेज हो जाती है, और ये बहुत ज्यादा नर्वस और एक्साइटेड हो जाता है. तो एक रोज की बात होती है, जो लोमो है, ही मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ, लोमो और चुबको दोनों नेबर्स हैं, दोनों वेल्दी हैं, दो फैमिलीज हैं. और वन डे लोमो कम्स टू चुबको'स हाउस टू प्रपोज हिज डॉटर नटालिया. एक रोज लोमो जो है वो चुबको के घर आता है. दोनों लैंड ओनर्स हैं, मैं बोल चुकी हूँ, दे आर नेबर्स. और चुबको जो है वो ग्रोन अप है, अनमैरिड. चुबको की जो डॉटर है वो ग्रोन अप है और अनमैरिड है. उसका नाम नटालिया है, शी इज 25 ईयर्स ओल्ड. लोमो इज यंग मैन ऑफ 35 ईयर्स. वन डे ही कम्स टू चुबको'स हाउस, ही इज ड्रेस्ड इन अ फॉर्मल इवनिंग ड्रेस. एक रोज आइवान वेसलविच लोमो, यानी लोमो, चुबको के घर आ जाता है शाम को, इवनिंग में, और उसने फॉर्मल इवनिंग ड्रेस पहनी हुई होती है. तो वो चुबको के घर आता है. चुबको रिसीव्स लोमो वेरी वार्मली. चुबको जो है वो उसको बहुत ही खुश दिली से, बहुत ही खुश आमदीद से इसको वहां पे रिसीव करता है. बहुत ही अच्छा मेजबान वो साबित होता है. लोमो इज वेरी नर्वस एंड एक्साइटेड. ही आस्क्स फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर. ही टेल्स चुबको दैट ही हैज कम फॉर अ फेवर. चुबको थिंक्स दैट लोमो वुड परहैप्स आस्क फॉर अ लोन ऑफ मनी. ही मेक्स अप हिज माइंड नॉट टू गिव हिम एनी लोन, बट देन लोमो सेज दैट ही हैज कम टू आस्क फॉर द हैंड ऑफ हिज डॉटर, दैट इज नटालिया, इन मैरिज. तो जब लोमो चुबको के घर पहुंचता है, उसके ड्राइंग रूम में सीन ओपन होता है. जब वो वहां पे पहुंचता है उसके ड्राइंग रूम में, तो चुबको उसको बड़ी गर्मजोशी से उसका इस्तकबाल करता है, उसको स्वागत करता है. तो लोमो बहुत ज्यादा नर्वस होता है, बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है, और बहुत ज्यादा एक्साइटेड, बहुत ज्यादा इरेलीवेंटली वो बिहेव कर रहा होता है. वो वहां पे जाके पानी का एक गिलास मांगता है चुबको से, और वो चुबको से कहता है कि वो वहां पे उसके उससे एक मदद के लिए आए, एक फेवर के लिए आए, एक सपोर्ट के लिए आए. चुबको जो है वो अंदर ही अंदर ये सोचता है, अपने मन में सोचता है कि शायद ये मुझसे पैसे की उधार या उधार मांगने आया है, और वो ये डिसाइड करता है मन में कि वो उसे उधार नहीं देगा. तो इस पे वो मन में सोचता है, और जो लोमो होता है वो उसे ये कहता है कि वो वहां पे सिर्फ इस सपोर्ट के लिए आया है, इस मदद के लिए आया है, कि जो उसे कोई नहीं दे सकता है, इस चीज के लिए वो वहां पे आया, कोई और कहीं और से वो उसको नहीं मिल सकता है, वो चुबको से ही मिल सकता है. वो उसे कहता है कि वो इजाजत लेने आया है इस बात की कि नटालिया का वो आप हाथ ले और उसके साथ मांगे, उससे उसके बाप से उसका हाथ मांगे और उसके साथ शादी कर ले. तो चुबको ही फील्स वेरी हैप्पी अबाउट द प्रपोजल. ऑन लिसनिंग दिस talk from Ivan, he feels very this proposal from Ivan, he feels very happy, and he says that he has been waiting for such a proposal from him for a long time. He says that Natalia is already like a love sick cat. He is certain that she would welcome the proposal. Saying these words, he goes inside and calls her
हिज डॉटर. तो जैसे ही आइवान उससे ये बात कहता है कि वो वहां पे सिर्फ एक फेवर के लिए आया है, कि वो चुपको की बेटी का हाथ मांगने के लिए आया है, तो ये सुनने पे चुपको बहुत ज्यादा खुशी महसूस करता है, बहुत ज्यादा मसरत महसूस करता है, और वो इसे ये जवाब देता है कि वो काफी रोज से, काफी दिनों से, कई दिनों से उसके इस प्रपोजल का इंतजार कर रहा था, इस पेशकश का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसे भी ऐसा महसूस होता है कि जो उसकी बेटी नटालिया है वो बहुत ज्यादा पसंद करती है, क्या बोलते हैं उसको, लोमो को. और ये कह के वो उसे ये कहता है कि उसे पूरा यकीन है, वो ही सर्टन, उसे पूरा यकीन है कि उसकी बेटी नटालिया इस रिश्ते को ना नहीं कहेगी बल्कि हाँ कहेगी. और ये कहते कहते वो अंदर चला जाता है अपनी बेटी नटालिया को बुलावा भेजने के लिए, बुलाने के लिए. तो इतनी देर में लोमो इज लेफ्ट अलोन फॉर सम टाइम. लोमो ड्राइंग रूम में कुछ देर के लिए अकेला रहता है, और वो क्योंकि वो नर्वस है, वो क्या बोलते हैं उसको, घबराया हुआ है, और वो अपने साथ बात करने लगता है कि ही टॉक्स एंड ही इंट्रोस्पेक्ट्स टू हिमसेल्फ दैट वो किस वजह से, अबाउट हिज रीजन फॉर मेकिंग द प्रपोजल ऑफ फॉर मैरिज टू नटालिया. वो इस बात को सोचने लगता है कि वो किस रीजन, किस वजह के लिए वो नटालिया का हाथ मांगने आया है. वो कहता है अपने से, वो अपने अंदर अपने साथ बताता है, बात करता है, कहता है कि ही इज ऑलरेडी 35 years, वो 35 साल का है, एंड ही इज रेडी फॉर अ रेगुलर एंड अ क्वाइट एंड पीसफुल लाइफ. वो एक पीसफुल जिंदगी गुजारने के लिए, एक नॉर्मल जिंदगी गुजारने के लिए, एक गृहस्थी करने के लिए, घर बसाने के लिए अब तैयार है. और besides he suffers from palpitations, rapid beating of heart, he gets easily excited, he cannot even sleep peacefully as soon as he tries to sleep, he feels a pull in his heart. वो ऐसा समझता है कि उसकी जो उम्र है वो 35 हो चुकी है, अब वो अपनी उम्र के सही पड़ाव पे, सही स्टेज पे है, कि वो सही तरीके से अपनी अपना घर बार बनाए और संभाले, एक नॉर्मल जिंदगी वो गुजारे. और दूसरा, उसका जो दिल है वो बहुत जल्द बहुत तेज रफ्तार से दौड़ता है, यानी उसकी हार्ट बीट या हार्ट पाल्पिटेशन बहुत ज्यादा हो जाती है. मामूली से इश्यूज पे या मामूली से प्रॉब्लम्स पे वो जल्दी एक्साइट होता है, और वो घबराहट महसूस करने लगता है. और कई बार ऐसा होता है कि अगर वो किसी बात से घबराया हुआ हो तो वो कितनी भी कोशिश करे सोने की, उसको सुकून या आराम मैसर नहीं होता. वो चाहता है कि वो एक आरामदेह और सुकून भरी जिंदगी अब वो बसर करे. तो क्या बोलते हैं इसको, हाँ, इतने में नटालिया वहां आ जाती है, एंटर करती है. एफ्टर वाइल नटालिया एंटर्स, नटालिया अपने अंदर किसी कमरे से आके ड्राइंग रूम में आ जाती है. शी डज नॉट येट नो द पर्पस ऑफ लोमोज विजिट. शी इज सरप्राइज्ड टू सी हिम इन अ फॉर्मल इवनिंग ड्रेस. शी आस्क्स हिम इफ ही इज गोइंग टू सम डांस पार्टी. शी टॉक्स टू हिम अबाउट द फाइन वेदर एंड द हार्वेस्टिंग ऑफ हिज क्रॉप्स. शी ट्राइज टू बी नाइस टू हिम. इतने में जब नटालिया अंदर से आ जाती हैं तो वो ये नहीं जानती हैं कि आइवान या लोमो वहां पे क्यों आया है, किस मकसद से आया है, किस चीज के लिए वो आया है. वो कैजुअली अंदर आ जाती है, और जब वो लोमो को देखती हैं कि वो फॉर्मल ड्रेस में है, फॉर्मल इवनिंग ड्रेस में है, तो उसको ऐसा महसूस होता है कि शायद वो कहीं बाहर किसी पार्टी को अटेंड करने, या किसी दावत को वो, या किसी डांस पार्टी को वो अटेंड करने जा रहा है. और वो उससे पूछती है, क्या आप कहीं पे बाहर किसी डांस पार्टी को अटेंड करने जा रहे हैं. शी टॉक्स टू हिम अबाउट द फाइन वेदर. वो उसके साथ सुहाने मौसम की बातें करती हैं, और वो हार्वेस्टिंग ऑफ द ऑफ हिज क्रॉप कहती, वो क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा है लैंड ओनर्स हैं, तो वो कहती है कि क्या आपने अपनी फसल की कटाई की, किस तरह का फसल आपका था, और कितना अच्छा यील्ड आपका हुआ. शी ट्राइज टू बी नाइस टू हिम. वो बहुत ही महजब तरीके से उनके साथ पेश आना चाहती है, और कोशिश करती है कि वो बहुत ही अच्छे तरीके से वो कंफर्टेबल उनको फील कराए, अपने गेस्ट को कंफर्टेबल फील कराए. लोमो फील्स वेरी एक्साइटेड एंड नर्वस. तो लोमो जो है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, वो बहुत ज्यादा नर्वस है, वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ, बहुत ज्यादा उथल पुथल उसके दिल के अंदर चल रही है, क्योंकि वो प्रपोजल के लिए आया है. तो जाहिर सी बात है उसके अंदर ऑलरेडी वो बहुत जल्दी नर्वसनेस पकड़ लेता है, लेकिन
अब वो एक खास बात के लिए आया है तो बहुत ज्यादा नर्वस फील कर रहा है. ही कीप्स बीटिंग अबाउट द बुश. ही इज नॉट एबल टू कम टू द पॉइंट. ही सेज दैट गुड रिलेशंस हैव ऑलवेज एग्जिस्टेड बिटवीन द लोमो एंड शिबको फैमिलीज. ही सेज दैट दे हैव बीन क्लोज नेबर्स बिकॉज हिज ऑक्सन मीडोज टच चिपकोज ब्रिजवुड. तो ये जो लोमो है ये बहुत कोशिश कर रहा है नॉर्मल होने की. ये बहुत ज्यादा बातें करता है लेकिन ही टॉक्स वेरी मच इररिलेवेंटली. वो बेस सिर पैर की बातें करने लगता है क्योंकि इससे हो नहीं रहा है. ये टू द पॉइंट बात नहीं कर पा रहा है. ये मुद्दे पे, सही मुद्दे पे या सही बात पे या सही मकसद जो कि इसकी पेशकश थी शादी की उस पे नहीं आ रहा है. तो ये ऐसे बात शुरू करता है कि लोमोज और चिपकोज दोनों खानदान, दोनों फैमिलीज बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, हमेशा से बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं. और दूसरा ये कि जो लोमोज का ऑक्सन मीडोज, और ऑक्सन मीडोज उनकी एक लैंड, पीस ऑफ लैंड, चरागाह का नाम था, वो जो है वो चिपकोज की ब्रिजवुड लैंड के साथ मेल खाता है. वहां पे सेम जगह पे वो है तो इसलिए हम अच्छे नेबर्स भी, अच्छे हमसाये भी हैं. जैसे ही वो ये कहता है कि ऑक्सन मीडोज लोमोज का है और ब्रिजवुड यानी सुनोबर के दरख्तों वाला जो बाग है वो चिपकोज का है, तो ये बात सुनते ही जो नटालिया है वो उसको प्रिक जैसा हो जाता है. जैसा इसने कुछ इरेलेवेंट कहा, कुछ अजीब सा कहा, तो इसको प्रिक होने लगता है. तो नटालिया बहुत ही जल्दी इस चीज को एट वंस वो इस पे रिएक्ट करती है. एंड एट दिस नटालिया सेज दैट द ऑक्सन मीडोज बिलोंग टू हर फैमिली एंड नॉट टू द लोमोज फैमिली. दस एन आर्ग्यूमेंट स्टार्ट्स ओवर द ओनरशिप ऑफ द ऑक्सन मीडोज. लोमो सेज दैट ही कैन शो डॉक्यूमेंट्स टू प्रूव हिज राइट ऑफ ओनरशिप, बट नटालिया रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट एनी सच थिंग. जैसे ही लोमो ये बात करता है कि वो दोनों फैमिलीज, दोनों खानदान बहुत अच्छे हमसाये हैं और यहाँ तक कि उनकी जमीनें भी मिलती हैं ऑक्सन मीडोज जो कि लोमोज की है, और क्या बोलते हैं उसको, ब्रिजवुड सनोबर के दरख्तों की जमीन जो है जो कि चिपकोज की है, वो पास पास है, वो भी नेबरहुड में है, तो वो अच्छे. तो इस पे बहुत जल्द ही नटालिया रिएक्ट करती है और कहती है कि क्या तुमने ये कहा, क्या मेरे कानों ने ये सुना कि तुम कह रहे हो, तुम ये कहना चाहते हो कि ऑक्सन मीडोज लोमोज के? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. जो ऑक्सन मीडोज है वो लोमोज की नहीं बल्कि वो चिपकोज यानी उसकी फैमिली, उसके खानदान को बिलोंग करती है, वो उनकी प्रॉपर्टी है. तो इस पे एक गर्म बहस छिड़ जाती है, एक ऑर्गुमेंटेशन छिड़ जाती है और लोमो उसे ये यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि उनके पास तहरीरी दस्तावेज है या कागजात है उस जमीन के, ऑक्सन मीडोज के उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, वो उनको वो डॉक्यूमेंट्स दिखा सकता है. बट नटालिया कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है, उसकी कोई बात वो सुनने को तैयार नहीं है. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम रेस्ट ऑफ द प्ले डिस्कस करेंगे. टिल देन हैव नाइस टाइम. अल्लाह हाफिज़.